रेलवे टीसी रिक्रूटमेंट 2022। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी से भी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टिकट क्लर्क की भी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, यानी कि भारतीय किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो रेलवे टीसी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि रेलवे की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 2450 वैकेंसी दी गई है टोटल, और अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर रहने वाले यानी सरकारी नौकरी के यहाँ पर फॉर्म आपके लिए आए हुए हैं। ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना हो, कितनी आप यार आपकी हाइट होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कंप्लीट जानकारी आपके वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और अगर हम इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। आपको जो टोटल वैकेंसी दी गई है 2450 वैकेंसी दी गई है टोटल, जो पोस्ट नेम होगा वो टिकट कलेक्टर के लिए होगी, यानी कि आपको यहाँ पर TC के भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो गुड्स गार्ड के लिए होगी, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो भी लोग स्थानों एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में आप कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 21,700 लेकर 81,000 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल OBC के लिए 500 रुपये होगा, और SC ST फीमेल के लिए भी 250 रुपये पर कनेक्ट आपको यहाँ पे करना होगा। और जो आपको फीस पेमेंट करनी होगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में, नेट बैंकिंग द्वारा, या आप यहाँ पर इनको पे भी कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। OBC वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 38 ईयर, SC ST कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 40 ईयर। जो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई तक की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई को आपकी एज नहीं तो 18 से कम हो, 35 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी SST वालों को 5 की दी जाएगी, OBC वालों को यहाँ पर 3 छूट भी आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, यानी कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ भी आपके इस भर्ती में नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर क्लिकर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन का, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी भी दे सकते हैं, उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है, वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के कंप्लीट किया है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यानी सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इस भर्ती का जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो आप इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। अभी तक यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस भर्ती का न्यूज कटिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो न्यूज कटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का न्यूज कटिंग आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे 2500 यानी 2500 पदों पर यहाँ पर TC की वैकेंसी निकाली गई है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है।
और सभी की सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मेंशन की गई है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।